हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्किल क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया था कि हम आपको अपने नए नए वीडियोस में टैली के हर एक छोटे से छोटे हिट को लेकर उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन टैली के रिगार्डिंग मिस ना हो। आज हम आपको टैली में लेजर क्रिएट करना सिखाएंगे। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हम टैली में ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं और क्विट होता है। आज हम आपको लेजर क्रिएशन बताएंगे कि टैली में लेज़र कैसे क्रिएट होता है। इसके लिए जब हम लेज़र को इंटर करते हैं तो हमारे पास दो हेड आते हैं, सिंगल लेज़र और मल्टीपल लेज़र। हम एक ही ग्रुप के अंदर यदि हमें ज़्यादा लेज़र ओपन करने हैं तब तो हम मल्टीपल लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज हम सिंगल लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल लेज़र के तहत हमें दिख रहा है क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। ये जो आपको डार्क दिखता है, जैसे क्रिएट में सी कैपिटल लेटर का, वो रेड से इंडिकेट है, डी से डिस्प्ले, ए से अल्टर। ये जो रेड से इंडिकेट कर रहा है टैली, इसको हम लोग शॉर्ट की के माध्यम से भी खोल सकते हैं। यदि हम क्रिएट करना चाहें तो हम एरो की से इसको सेलेक्ट करके इंटर हो सकते हैं, या फिर हम अपने कीबोर्ड से सी को भी इंटर करेंगे तो हम लेज़र क्रिएशन के पेज पर पहुंचते हैं। यहाँ आने पे हमारे पास नेम है, नेम में सपोज दैट अगर यदि हमें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेज़र बनाना है तो हम ऐसे ही बनाएंगे। एक्सपेंसेस अलायंस, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये दो तरीके से लेज़र को ओपन करने के लिए इसको रखा गया है। यदि हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस लिखते हैं और अगर हम यहाँ पे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग लिखेंगे तो भी हमारा लेज़र ओपन हो जाता है। अब इसको हम अंडर ग्रुप करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रिंटिंग और लेज़र स्टेशनरी एक्सपेंस ये हमारा इनडायरेक्ट हेड में आता है, तो हम इसको जो ग्रुप अंडर ग्रुप करेंगे उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हम अंडर इसको सेलेक्ट कराते हैं। इसके बाद ये हमसे इन्वेंट्री वैल्यूज आर एफेक्टेड इसको हम नो करते हैं। टाइप ऑफ लेजर में ये पूछता है इनवाइसिंग राउंडिंग होगा या नहीं होगा, हम इसको नॉट अप्लाईएबल करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमसे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये सारी चीज़ों को हम छोड़ते हुए जब हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो हमारा ये लेज़र ओपन हो जाता है। इसी तरीके से हम एक दूसरा लेज़र भी खोल सकते हैं, जैसे बैंक चार्जेस चार्जेस, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको हम अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के में रखते हैं और हम इसको एक्सेप्ट कराते हैं। इस तरीके से हम इसका लेज़र क्रिएट करते हैं टैली में। अब सपोज दैट यदि हमसे कोई लेज़र क्रिएशन में मिस्टेक हो गई है तो हम बैक जाके इसको हम अल्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तीसरी रो में दिखता है। अल्ट्रेशन में जाएंगे, हम बैंक चार्जेस को करेंगे। यदि हमें लगता है कि बैंक चार्जेस में गलत लिखा है तो हम उसको यहाँ से अल्टर करके फिर से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा बैंक चार्जेस करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने जितने भी लेज़र बनाए हैं वो सारी चीज़ हमको डिस्प्ले के माध्यम से टैली शो कराता है। अभी तक हमने तीन खोले हैं, बैंक चार्जेस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों टैली ऑलरेडी ओपन करके ओपन करता है। बाकी सारे लेज़र हम लोगों को अपने अकाउंटिंग पैटर्न के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। आज के लिए हमारा ये वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको टैली में लेज़र क्रिएट करना आ गया होगा।
यदि कोई प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत होती है किसी, तो आप हमको जो है कमेंट कर सकते हैं, और हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।